Hello guys, today is a beautiful day once again and for this series of video I'm gonna show you our second chicken coop. जी तो नाजरीन, ये आप देख सकते हैं हमारा दूसरा चिकन कूप जो है वो तैयार हो चुका है। और हाँ, हम अंदर जाएंगे। ये मेरी चाय पड़ी है, ठीक है जी। सबसे पहले ये जी है जी 6 फुट 7 इंच इसकी चौड़ाई है और 17 फुट 7 इंच इसकी जो है वो लंबाई है। ये इसका फ्रंट डोर। जी तो मोहतरम जनाब, सबसे पहले आप देख सकते हैं इसका दरवाज़ा और इसके साथ जगह छोड़ी हुई है। इसके हम नेट लगाएंगे जो कि परिंदों की जाली होती है। और ये दरवाज़ा जो है इसकी कीमत है 3500 रुपये। उसके अलावा हमने जो है इस पे जो है ये गार्डर लगाए हैं। छत हमने गार्डर की बनाई है, मज़बूत बनाई है, ख़र्चा किया है। और ये हो गया जी, उसके ऊपर हमने एक प्लास्टिक कवर, उसके ऊपर फिर सीमेंट का एक ग्राउंड आया है और फिर हमने उसके ऊपर ये आप देख सकते हैं मिट्टी बिछा दी है क्योंकि इसके ऊपर परनाले आ रहे हैं। और ये बाहर का नज़ारा है, एक परनाला इसका बाहर रखा है और यहाँ से ऊपर से जो परनाला आ रहा था ये हमने जो है इसको मोड़ दिया है। ये यहाँ नीचे गिराता है पानी, ठीक है जनाब। और बाद में हम सोच रहे हैं ज़्यादा मज़बूत करने के लिए इसको लगाएंगे हम ठसू टाइल्स। दरवाज़े के अंदर जाएंगे, खुल जा सिम सिम, ठीक है जी। और ये जो है ना, यहाँ पे हम लगाएंगे जो नेट होती है जाली, और इसका जो है अपना रुख जो है वो नॉर्थ साउथ हमने लगाया, नॉर्थ साउथ शुमाल जनूब, क्योंकि हवा चलती रहती है। ये हम इसमें एंटर हो चुके हैं, मैं आपको समझाता हूँ। 3500 का ये दरवाज़ा लगाया है, पीछे हमने एक और दरवाज़ा भी लगाया है, ये आप देख सकते हैं पीछे, क्योंकि यहाँ भी एक खाली जगह हमारे पास मौजूद है बहुत सी, तो आप जो है अपने चिकन्स को सेकेंड टाइम इधर छोड़ सकते हैं। ये दूसरा दरवाज़ा आप देख लें, इसकी प्राइस भी 3500 रुपये है, 3500। ये एक पुराना सा दरख्त था जिसे हमने निकाला नहीं है। चिकन इसके ऊपर बैठते हैं तो उनकी यानी शुगल के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और सेहत के लिए भी। बाय द वे, आप ये देख सकते हैं हमने जो है इस पे तकरीबन जो है इसके गार्ड सॉरी ये टी आयरन जो होते हैं इसमें हमने टी आयरन लगाए हैं, तकरीबन 17-18 टी आयरन है जिनकी कीमत जो है वो 20,000 है। और उसके अलावा हमने तकरीबन 250 टाइल्स लगाई हैं, ठीक है। एक टाइल की कीमत हमें, एक टाइल 18 रुपए की एक टाइल पड़ी थी। ये दीवार थी यहाँ पे बीच में, ये दीवार थी और हमने यहाँ पे 4 इंच की एक और दीवार बनाई है सपोर्ट के लिए, गार्डर्स के ये टी आयरन्स के सपोर्ट के लिए। ये हमने बीच में एक छोटा सा मीनारा रखा है, यहाँ हमने दो फट्टे रखे हैं, एक यहाँ से जा रहा है टी आयरन को सपोर्ट करने के लिए, एक यहाँ से। ये हमने एक दूसरा सा लेकिन छोटा मीनारा बनाया है, यहाँ भी हमने एक फट्टा रखा है। ये बहुत ही मज़बूत लकड़ी के फट्टे हैं जो कि आरसीसी छतों को सपोर्ट देने के लिए इस्तेमाल आते हैं। उसके अलावा ये ईंट हो गई और नीचे जो है ज़मीन है। इस तरफ हमारी बिल्डिंग थी और इस तरफ हमारी दीवार थी, तो यहाँ का ख़र्चा हमारा बच गया है। ये कुल इतना ख़र्चा नहीं है और ये बहुत थोड़ा सा ख़र्चा है, बड़े ही कम खर्चे में हमारी ज़बरदस्त जगह बन चुकी है। इसमें अब सिर्फ जाली लगाने की देर है और ये चिकन कूप जो है वो बिल्कुल तैयार है। नीचे हम जो है वो सारडस्ट बिछाएंगे और उसके अलावा जो छोटा मोटा सामान होता है चूज़ों के लिए, मुर्गियों के लिए, तो यहाँ पर आराम से आप अपने घर में 100 मुर्गियाँ पाल सकते हैं इस ख़र्चे में, जो कि एक बेहतरीन आइडिया है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जो मैंने 6 फुट और 7 इंच इसकी चौड़ाई थी और लंबाई जो है 17 फुट और 7 इंच। ओके, तो व्यूअर्स सानू इजाज़त देवो, ठीक है जी। अगर साड़ी वीडियो तो पसंद आई है तो साड़े चैनल को सब्सक्राइब करो, साड़ी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं अच्छी लगी है तो फिर आप बहुत भैंड के कुस हैं।